बच्चों, आप लोगों ने पहला पार्ट सुंदर भारत तो सुन चुके हैं। अब दूसरा पार्ट है नेताजी की चश्मा। ये नेताजी बोलते हैं, आप लोगों को याद आता है सुभाष चंद्र बोस। मीन देश आजादी आने के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया है, उन सभी में वो ये भी एक है। इनका मुख्य नारे क्या है? इनका जवाब पत्थर से दो और एक बूंद खून आप दो, आपको स्वतंत्रता देता हूँ, ऐसा कहा है नेताजी ने। ऐसे नेताजी की चश्मा ही क्या है कहानी का, ऐसा उसके चश्मे के बारे में क्या है, ऐसा तो आप लोगों के मन में आए होंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसके बारे में सविस्तार से बताती हूँ। पहले हम लोग पाठ से संबंधित कुछ विषयों के बारे में बातचीत तो करना है। उसमें पहला क्या है, वो उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण में क्या है, वो एक अच्छे सैनिक के गुण है देशभक्ति, सजगता, धैर्य, साहस और अनुशासन। भारतीय सैनिकों में यह गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय में वे जिस प्रकार की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का परिचय मिलता है। इसमें क्या बताया गया है, ये उन्मुखीकरण में कुछ भाग दिया गया है, उसमें कुछ बताया गया है। आदर्श सेना की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? सेना, सेना का नाम आते ही हमारे सैनिक याद आते हैं। सैनिक क्या करते हैं? हमारे लिए, देश की रक्षा करने के लिए दिन रात, न तूफानों की, न बाढ़ की, न गर्मी की, न किसी की परवाह नहीं करके अपने जान पर खेल कर रक्षा करने के लिए प्रयास वो करते हैं। सीमा प्रांत में अपने परिवार को भी त्याग करते हैं। देखो कितना महान है वो लोग। उन लोगों की क्या विशेषता है? उनमें एक ही विशेषता है, पहला क्या है, प्रथम देशभक्ति। हमें भी है देशभक्ति, लेकिन उनके बराबर तो नहीं है, उनका बराबर कोई भी नहीं हो सकता। कारण क्या है, अपने परिवार को भी छोड़कर वो दूर दूर जाते हैं और उनमें देशभक्ति भावना और सेवा भावना। हम लोगों कुछ कार्य करने के लिए उसमें हमारा फायदा क्या है उसमें सोचते हैं, लेकिन सैनिक ऐसा नहीं सोचते हैं। और ये क्या है, सदा वो देश की रक्षा करने के लिए ही अपना जीवन यापन करते हैं। सुबह से लेकर रात तक, सोने तक, वो लोगों को एक एक बार सोने के भी नहीं होता। कारण क्या है, वो पहरा करने में उनका बारी आए तो वैसे ही वो देखकर रहना पड़ता है। शत्रुओं को हमारे देश के अंदर प्रविष्ट नहीं करने देते हैं, वो इतना मेहनत करते हैं वो सैनिक हमारे लिए। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, वो सदा उनमें सैनिकों में सजगता रहती है और धैर्य, हिम्मत के उनके बराबर कोई भी नहीं है देश के लिए। साहस, और वीर के बराबर वो साहस प्रदर्शन करते हैं। वही साहस प्रदर्शन करते करते अपने प्राण के वो लोग आहुति भी करना पड़ता है, हमारा संतोष कुमार जी। और मैं एक ही का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब बहुत है, अनगिनत लोग हैं बच्चों। और अनुशासन, सभी में ये बात तो होना जरूरी है, अनुशासन के अलावा मनुष्य अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है। अनुशासनहीनता मनुष्य को अधोगति की ओर लेके गए, तो अनुशासन मनुष्य को क्या है, वो अंबर चुंबी, गगन को भी चुंबने के उतने ऊपर लेके जाते हैं। इसीलिए ये बात तो आप लोगों में जरूर होना है। और एक विशेषता क्या है, सैनिक वो लोग अपने जान को देकर देश की रक्षा करने के लिए शत्रुओं से लड़ते रहते हैं और एक एक बार खून भी बहता रहता है, घायल होते हैं, अपाहिज होते हैं। इतना होने के बावजूद भी अपने जान देने के लिए तैयार नहीं होते, शत्रुओं से हार मानना तो स्वीकार नहीं करते। यह है उन लोगों की विशेषताएं। और दूसरे प्रश्न में क्या है, प्राकृतिक विपदाओं के समय सैनिक का क्या सहयोग होता है? अभी उत्तराखंड में आए सो, उसमें बाढ़ में क्या किया है उन लोगों ने, क्या नहीं किया उसके बारे में सोचो। उन लोगों ने अगर कुछ भी आपत समय आए तो वो लोग, जब देश में बाढ़ आए, तूफान आए, भूकंप आए, इन सभी में भी उन्हीं लोगों का ज्यादा योगदान देते हैं। तब भी देश की रक्षा के साथ साथ देशवासियों की रक्षा के लिए भी वो लोग आगे ही रहते हैं, ये पूरा सैनिक। और ये क्या है, इन लोगों में जब बाढ़ आए, तो वो लोग नियम पूर्वक लोगों की रक्षा कैसे करना, वो
नीचे प्रदेश में रहने वालों को ऊपर कैसे लेके जाना, एक एक बार उधर रस्सी भी नहीं रहता, खुद अपने आप को बांध कर वो लोग आगे के वो रस्सी के बराबर अपने कपड़ों को या कुछ भी चीजों को लेकर लोगों की रक्षा करने के लिए कोशिश कर दे। भूकंप आए तो क्या हो जाता, पूरा भवन, बड़े बड़े इमारत, पहाड़, ये सब कुछ तितर बितर हो जाता। उसके नीचे दबने वाले उन लोगों की रक्षा करने के लिए भी वो लोग प्रयास करते हैं। एक एक बार क्या करते हैं, कुछ पहाड़ी प्रांतों में लोगों को क्या है, वो आपद समय में खाना खाने के लिए नहीं होता, वो लोग हवाई जहाज के जहाज सहारे या हेलीकॉप्टर के सहारे वो आहार लेके जाते हैं और दवाइयाँ लेके जाते हैं, उनको इलाज किया जाता। उस समय भी वो अपने परवाह नहीं करते, देशवासियों के लिए ही कोशिश करते। ये पूरा है उन लोगों की सहयोगिता। आप अपने देश को प्रेम कैसे प्रकट करें, अभी तक आप लोगों ने सैनिकों के बारे में तो सुन, आपकी बारी आई, आप लोग कैसे करते हैं। आपकी जगह में मैं है तो अगर कुछ भी ऐसी आपस समय है तो मेरे पास जो कुछ भी है वो पूरा देशवासियों को देने के लिए मैं तैयार हूँ। इसका मतलब टीचर के पास क्या होते, सब कुछ बोले दो, अगर मेरे पास खाने की चीज है तो मैं जरूरतमंदों को देकर उनकी सहायता करती हूँ, मेरे पास कपड़े हैं उन कपड़ों में से कुछ कपड़े रखकर बाकी का उन लोगों को देती हूँ, अगर दवाएं हैं वह मेरे पास कुछ पैसे हैं तो वो दवाइयाँ खरीद कर उन लोगों को दे। ऐसा आप लोग अपने आप भी आगे आना है। हमारे पास कैसे रहते टीचर, आप लोग ऐसे सोचते, नहीं वो गलत है, आप लोगों को बड़े लोग देते हैं ना उन पैसों को रखकर, कभी भी ऐसा आए तो आप लोग भी जरूरतमंदों की सहायता तो करना है, ये बात तो याद रखें। अभी तक आप लोगों को उन्मुखीकरण के बारे में तो हो गए, अब आगे चलकर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों में कहानी लेखन कौशल का विकास करना, कहानियां लिखना, बच्चे आपके आसपास या कहीं पर कुछ भी घटना घटे तो आप लोग भी एक छोटी सी कहानी के बराबर लिखने के लिए तैयार करना, और एक बात क्या है वो शब्द भंडार में वृद्धि करना, नए नए शब्दों को आप लोग क्या करना है सीखना, नए नए शब्दों का, इसीलिए जो कुछ भी आए तो हम थोड़े अब्दों का शब्द बताते, बाकी भी आप लोगों को शब्द कोश के आधार पर सीख लीजिए। क्यों कहा जाता है, एक शब्द ढूंढने के लिए हम कोशिश करें तो उधर 10 या 20 उतने शब्दों का अर्थ भी हमें मालूम होता, इसीलिए बच्चों में मानसिक विकास करने के लिए शब्द भंडार भी और विकास करने के लिए प्रयास भी किया जाता है। उन शब्द भंडारों में वो कहानी लिखने के लिए जो भी शब्द उपयोग होता है उसको आप लोग उपयोग कर सकते हैं। और एक क्या है वो कहानी, कहानी शब्द को क्या है, कह प्लस आनी, कहानी इसमें क्या आया है, कह प्लस आनी, कह क्या है धातु है, इधर धातु शब्द का अर्थ क्या है, क्रिया से पहले आने वाले शब्दों को धातु कहा जाता है। आनी, आनी क्या है वो कृत प्रत्यय है, ये कह के साथ अगर कृत प्रत्यय कब जोड़ गया है तब ये कहानी बन गया है। क्रिया का आरंभिक रूप को ही धातु कहा जाता है, कहना, पढ़ना, लिखना, अभी तक जो कुछ भी कर पढ़ लिख, ये पूरा ना प्रत्यय आकर जुड़ने के बाद उसमें परिवर्तन तो आया, उन्हीं शब्दों को धातु कहा जाता है। और इसके साथ साथ क्या है आप लोगों को, कथा वस्तु, कथा वस्तु बोले तो जो कुछ भी कथा आप लोग लेते हैं वो तो पढ़ने वालों को मन को लुभाना, आकर्षित करना, वैसी कहानियां तो होना है। उसके साथ साथ पात्र, उसमें जो कुछ भी पात्र कैरेक्टर्स, उसमें अगर एक छोटी सी कहानी ली है उसमें माँ बाप, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य भी, पात्र कैरेक्टर्स भी उसमें होना है। और उसके साथ साथ संवाद, संवाद संवाद बोले तो बातचीत, कन्वर्सेशन, एक दूसरे से संवाद करने के बराबर भी होना, कहानी पढ़ने वालों को अरे ये कहानी मेरा जीवन से जुड़े हैं वैसा होना, तब क्या हो जाता, मन को तो जरूर छूता है। इसके साथ साथ क्या है, वातावरण, वातावरण बोले तो हम लोग यहाँ बैठ के यहाँ के बारे में कहानी लिखते लिखते कश्मीर के बारे में लेकर लेना है, यहाँ के वातावरण को लेकर या यहाँ की वातावरण परिस्थितियों कैसे प्रभाव डाल रहा है उसके बारे में भी आप लोग कहानी में बताना है। भाषा शैली, भाषा शैली सदा कठिन शब्दों से ज्यादा नहीं होना, कैसे होना है सरल शब्दों से, आम लोग जो नॉर्मल वो लोग पढ़ने पर भी उन लोगों को भी समझ में आना है। उसके साथ साथ उद्देश्य, आप लोग जो कुछ भी कहानी लिखे
उसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो तो होना है। एक कहानी से हम लोगों को कुछ तो सीख तो मिलना है, कहानी पढ़ने के बाद हमें कुछ तो कुछ प्रेरणा मिलना है, ऐसी कहानी लिखने के लिए कोशिश कीजिए। आप लोगों का पिछले क्लासों में लिखा है ना, अपने आप छोटी कहानियां लेकर लिखो, बोले थे साहसी बालक या नहीं तो और कुछ कहानियां भी आप लोग लिखे होंगे। और यह एक ऐतिहासिक कहानी है, इतिहास से संबंधित। इतिहास बोले तो हमारा जो कुछ भी बीत गया है उन विषयों से संबंधित है ऐतिहासिक इतिहास। अगर जो कुछ भी पुराने वो जो भी हो गया है उनको कहा जाता है इतिहास। हिस्ट्री बोलते हैं ना आप लोग, वही है। इसकी शैली वर्णनात्मक है, मीन्स ये पूरा कैसे होना है वर्णन तो जरूर होना, पढ़ने वालों तो उन वर्णनों को देखकर अरे कितनी सुंदर ढंग से लिखा है और कितने वो मन को छू रहा है, ऐसा बात तो जरूर होना है। अभी तक आप लोगों को विधा विशेष भी मालूम हो गया, अभी तक आप लोगों को किन किन बातों को पढ़ाया गया, उन्मुखीकरण हो गया, उद्देश्य हो गया और विधा विशेष भी हो गया है। अब हम लोग क्या करना है, कवि परिचय कहानीकार के बारे में भी जानकारी को प्राप्त करना है। पहले मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में वो पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद में जो विषय आप लोग परीक्षा में लिखना है उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। 8वीं दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है, मीन्स प्रमुख उल्लेखनीय और मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियां हैं और उसमें शेष विरुद्ध चेतना है और वो उसमें उनकी कहानियों में और चित्र है स्वयं प्रकाश जी की शेष हमारे सामाजिक जीवन के भेदभाव खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। किस्सा गोई बोले तो कहानियां छोटे स्मॉल भाग, छोटे छोटे भागों में बताया गया। इनकी कहानियां आप लोगों को अगर मौका मिले तो सदुपयोग करने के लिए एक अच्छी किताब इनकी रचनाएं लेकर पढ़ो और अच्छी तरह मालूम हो जाता कहानीकार के बारे में। लेखक इसमें जो कुछ भी बताया गया है वो पूरा कहानीकार, कहानी बताने वालों को कहानीकार, लेख लिखने वालों को लेखक, ऐसा है बच्चों। टीचर क्या है, एक बार लेखक बोले एक बार कहानीकार बोले, क्या है ऐसा परेशान मत हो। और रोचक और किस्सा गोई शैली में लिखी गई है उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। वाचक बोले तो पठन हेतु देकर आप लोगों को और सुंदर ढंग से समझाने के लिए प्रयास तो किया जाता है। और इसमें हम कवि परिचय के बारे में बातचीत करेंगे। परीक्षाओं में आप लोगों को जरूर पूछा जाता है, उसके बारे में तो लिखना अनिवार्य है। कौन सी अंश लिखे तो आप लोगों को जरूर अंक मिलता है वो है। अब आप लोग ये इसमें काले रंग में देखिए, वो कवि परिचय ऐसा लिखो, कवि श्री स्वयं प्रकाश जी फर्स्ट पहला बिंदु और उसके बाद में उनका जन्म कब बोले तो 1947 कहाँ हुआ, इंदौर में हुआ। वो इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद में इनकी मुख्य कहानियों का संग्रह है 13 कहानियों का संग्रह में कुल कितने हैं 13। उन 13 में भी आप लोगों के लिए उपयोगी है कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में भी इसमें बातचीत की गई है। वो क्या क्या है, सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, और दूसरा क्या है, आएंगे अच्छे दिन, आएंगे अच्छे दिन, और तीसरा क्या है, आदमी जात का आदमी और संधान, आदमी जात का आदमी और संधान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये है आप लोगों का आज बताने वाला अंश है, बाकी के बारे में विषय प्रवेश के लिए कल मिलेंगे। तब तक ये तो आप लोग सीखने के लिए प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।